हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार पेंडिंग शेड्यूल ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने के लिए जा रहे हैं और वो है बार पेंडिंग शेड्यूल फॉर द टू वे रेक्टेंगुलर स्लैब। ऑब्वियसली अगर आप टू वे रेक्टेंगुलर स्लैब का शेड्यूलिंग फाइंड आउट कर सकते हो तो वन वे स्लैब आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि टू वे में थोड़ा सा लिटल बिट डिफरेंट प्रोसीजर है। सो मैं आपको टू वे स्लैब सिखाऊंगा तो वन वे स्लैब आप ऑटोमेटिकली सीख सकते हो। नाउ बिफोर गोइंग फॉर दिस बार पेंडिंग शेड्यूल क्रिएटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द ड्राइंग। सबसे पहले हमें ड्राइंग जो है वो हमें रीड करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास एक ड्राइंग है। अब ये जो ड्राइंग है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्राइंग है वो डिफरेंट पैनल में डिफरेंट स्लैब पैनल्स में वो डिवाइड है और ये जो स्लैब्स है वो स्लैब इंडिकेशन है विथ सिंबल। तो ये जो हमारा सिंबल है वो है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब मीन्स जो हमारा जो स्टील है वो बोथ डिरेक्शन में प्लेस होगा और वन वे स्लैब भी आप देख सकते हो। वन वे स्लैब में ये जो एरो है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास वन वे स्लैब है और ये जो स्लैब है वहाँ पे स्टील हमें प्लेस किया है अलोंग द वर्टिकल डिरेक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई टू वे स्लैब और वन वे स्लैब। और एक चीज़ आपको पता ही है कि अगर एल बाई बी का रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, सो यहाँ पे आप टू वे सॉरी वन वे स्लैब एज अ कंसिडर कर सकते हो। और अगर L by B का रेशियो लेस देन 2 है सो देन इट विल बी एक्ट एज अ टू वे स्लैब। टू वे स्लैब मीन्स उसका लोड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा और वन वे स्लैब मीन्स उसका लोड सिर्फ एक ही साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो है लॉन्गर साइड। तो अगर मान लो कि ये आपका एक स्लैब है, यहाँ पे लोड इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे लोड इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये टू वे स्लैब है तो यहाँ पे लोड चारों साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद ट्रेपेजोइडल एंड विथ 45 degrees। सो यहाँ पे मैं लेट्स से 45 degree की एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक्सेल एंटर एंगल 45 और ये लाइन को मैं सपोज मिरर करूँ तो मेरा लोड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक दैट पैनल वाइज। सो इस तरीके से मेरा लोड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये ट्राइंगल का लोड, ये ट्राइंगल जो जोन है उसका लोड ये बीम पे, सिमिलरली ये ट्राइंगल जोन का लोड ये बीम पे एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई टू वे और वन वे स्लैब। अभी हम जो स्लैब का कैलकुलेशन करने बार बेंडिंग शेड्यूल क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो इतने एरिया का है और ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एक पैनल का और कोई भी एक एरिया का बार बेंडिंग शेड्यूल अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो दूसरे के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्लैब का जो इंडिकेशन है वो है S4 और जो S4 जो स्लैब है वो है टू वे स्लैब और ये जो स्लैब है उसका शेड्यूलिंग यहाँ पे टेबल में मेंशन है। सो शेड्यूल ऑफ स्लैब में यहाँ पे आप लिख सकते हो S4, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 120 mm और जो बॉटम बार्स है वो है 10 mm डायमीटर 150 सेंटर टू सेंटर और जो टॉप बार्स है शॉर्टर स्पान में वो है 10 mm डायमीटर 150 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइंग का टाइटल देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर ड्राइंग का टाइटल है रिइंफोर्समेंट स्टील ऑफ स्लैब फर्स्ट फ्लोर लेवल एट बॉटम। फिर यहाँ पे अगर आप टाइटल देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर बट टॉप इन वाई डायरेक्शन, दैट मीन्स वर्टिकल स्टील। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी स्टील वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस किया है और यहाँ पे टॉप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट इज एक्स। सो ये हमें यहाँ से रीड करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बॉटम स्टील, तो बॉटम स्टील हमारा विथ कवर को कंसिडर करके ये जो स्टील है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है और यहाँ पे उसकी लेंथ दी गई है। सो 10 mm डायमीटर एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर एंड लेंथ इज 7000। सो ये 7000 mm का बार कहाँ से कहाँ तक प्लेस होगा, वो प्लेस होगा ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो उसकी लेंथ है 4450।
सो 4450 अलोंग द लेंथ ऑफ 4450 विथ 150 सेंटर टू सेंटर, ये बार वर्टिकली प्लेस होगा। सिमिलरली ये बार है 10 157000 एंड अलोंग द 440, सो उसका सिमेट्रिकली मिरर ही है तो वो इस डायरेक्शन में प्लेस होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीम है, इसीलिए ये बार यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम हॉरिजेंटल बार की बात करें तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल बार है, तो हॉरिजेंटल जो बार है वो है अलोंग 3400 मीटर की लेंथ और ये उसका स्टील है, और ये हॉरिजेंटल स्टील जो है वो 10 mm डायमीटर एट द रेट 200, लेंथ है 9700। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 9700 पे जहाँ से लेके यहाँ तक उसने ये जो स्टील है वो प्रोवाइड किया है। सिमिलरली 10 mm डायमीटर एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, लेंथ इज 9700 और वो जो स्टील है वो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक प्रोवाइड किया है। अब ये जो स्टील थे वो है स्लैब बॉटम, तो स्लैब बॉटम के लिए आप देख सकते हो बॉटम बार्स फॉर शॉर्टर स्पान फॉर द लॉन्गर स्पान दोनों के लिए हमने देख लिया है। अभी हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एक्स्ट्रा टॉप, मतलब टॉप स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज वाई एक्सिस, सो दिस इज टॉप स्टील दैट वी हैव टू बी प्लेस। अब ये जो टॉप स्टील है वो बीम से सेंटर में होगा दोनों की साइड, सो यहाँ पे लेंथ है 2500 mm, सो ऑब्वियसली 1250 mm ऑन दिस साइड, 1250 mm ऑन दिस साइड, और उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2500 mm और वो प्लेस होगा अलोंग द 4440 mm फ्रॉम हियर टू हियर विथ कंसिडरिंग कवर। सिमिलरली यहाँ पे भी है, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली ऑल द साइड। सो जनरली ये जो एक्स्ट्रा टॉप स्टील है वो प्लेस किए जाते हैं अलोंग द जंक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा स्लैब है, ये मेरा बीम है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप आएगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टॉप आएगा और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टॉप आएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स डिरेक्शन में, सो ये जो स्टील है सभी वो एक्स डिरेक्शन में प्लेस किया है, सो यहाँ पे एक्स डिरेक्शन में उसने रेफरेंसेस भी दिया है। अगर रेफरेंसेस नहीं दिया है तो आपको दोनों साइड सेंटर से प्लेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेफरेंसेस दिया है और रेफरेंसेस भी आप देख सकते हो कि सेंटर से इक्वल ही है। अगर रेफरेंसेस नहीं है तो फिर सेंटर से आप दोनों साइड इक्वल प्लेस कर सकते हो, और यहाँ पे भी उसने रेफरेंसेस दिया है 1350 और इस साइड भी 1350 और ये जो हमारी लेंथ है वो है 3000 mm और 10 mm डायमीटर एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, और ये जो बार है वो प्लेस किया गया है अलोंग द हॉरिजॉन्टली फॉर द लेंथ ऑफ 2600 mm। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द ड्राइंग ऑफ द स्लैब। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले स्लैब का स्टील हम फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर एक्स्ट्रा टॉप हॉरिजॉन्टल, देन आफ्टर एक्स्ट्रा टॉप वर्टिकल। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।